पैनल जो आप देख रहे हैं अनविका जोन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के दोनों सैटेलाइट्स की रविवार को हुई लॉन्चिंग फेल हो गई है। इसरो ने बताया कि दोनों सैटेलाइट्स गलत ऑर्बिट में चले गए, अब ये किसी काम के नहीं रहे। इसरो ने सैटेलाइट्स फेलियर की जांच के लिए कमेटी भी बना दी है। इसरो ने रविवार सुबह 9:18 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC से अपना पहला नया रॉकेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV-D1 लॉन्च किया था। इस रॉकेट के साथ आजादी सेट सैटेलाइट्स भी भेजे गए थे। इसके 75 पेलोड देश भर के 75 ग्रामीण स्कूलों के 750 छात्र छात्राओं ने बनाए थे। डिजाइन करने वाली लड़कियां भी लॉन्चिंग के समय श्रीहरिकोटा में मौजूद रहीं। रॉकेट के दोनों सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में पहुंचा दिया, लेकिन उसके बाद सैटेलाइट से डेटा मिलना बंद हो गया। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि इसरो मिशन कंट्रोल सेंटर लगातार डेटा लिंक हासिल करने का प्रयास करता रहा। EOSO-2 यह एक ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो 10 महीनों के लिए अंतरिक्ष में काम करते हैं। इनका वजन 142 किलोग्राम है। इसमें मिड और लॉन्ग वेव लेंथ इंफ्रारेड कैमरा लगा है। इसका रेजोल्यूशन 6 मीटर है। ये रात में भी निगरानी कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिसिंग अपडेट फ्रॉम अनविका जोन। थैंक यू सो मच।